जरीन करेंगी अदाओं से घायल। सलमान खान और जरीन का आ सकता है फिर साथ। क्या जरीन करेंगी आइटम नंबर? क्यों है बजरंगी भाईजान 2 इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज में? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। सलमान खान पिछले कुछ महीनों से फिर से काफी चर्चाओं में विषय बन चुके हैं और बॉलीवुड के गलियों में भी। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि सलमान खान अपने बाकियों से हट के नेचर के लिए जाने जाते हैं और वो दिल के भी काफी साफ माने जाते हैं। सलमान खान के इसी नेचर की वजह से वो बॉलीवुड के इतने बड़े एक्टर्स में से एक हैं और उनके औहदों को मैच करने के लिए कोई एक्टर नहीं है बॉलीवुड में। वो अपने यूनिक आदतों और उसके कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करने में काफ़ी माहिर हो गए हैं अब। और साल 2022 को सलमान अपने नाम कर चुके हैं। इस साल सलमान खान अपने तगड़े कमबैक के लिए काफ़ी चर्चाओं में हैं, जिसमें से उनका पठान में कैमियो रोल होने की वजह से उन पर लाइमलाइट काफ़ी ज़्यादा है। आपको बता दें कि फिल्म पठान में सलमान खान दिखेंगे शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए। दोनों की इतने समय की लड़ाई को खत्म होते देखने के लिए दोनों के ही फैंस काफ़ी उत्साहित है। फिर उसके बाद लाइंड अप है उनकी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली, जिसमें वो पूजा हेगड़े और कृति सेनन के साथ दिखने वाले हैं। 2022 के साथ सलमान ने अगले साल की तैयारी भी कर ली है। अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान के सीक्वल के साथ ये फिल्म काफी चर्चाओं में इसके अनाउंसमेंट के बाद से ही रही है। कभी इसके फीमेल लीड को लेके तो कभी फिल्म की अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट्स को लेके फिल्म लगातार लाइमलाइट और कॉन्ट्रोवर्सीज में बनी हुई है। हाल ही में फिल्म के नाम से रिलेटेड एक और कॉन्ट्रोवर्सी सामने आई, जिसमें फिल्म के हिंदू मुस्लिम टाइटल पे बवाल हो गया। इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद भी फैंस यही आशा कर रहे हैं कि फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हो। फिल्म बजरंगी भाईजान के सीक्वल में एक नई अपडेट सामने आती दिख रही है, जो है कि पिछले दिनों ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि फिल्म का पार्ट हो सकती है जरीन खान भी। जैसा कि हम जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में जरीन ने डेब्यू किया सलमान की मदद से और काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद इन्हें सलमान के साथ फिर से देखा जाएगा, यानी कि सलमान खान के साथ इनके एक आइटम सॉन्ग में दिखने की अटकलें लगाई जा रही है। जरीन खान बॉलीवुड में अपना सिक्का नहीं जमा पाई, लेकिन अब एक बार फिर से लगता है कि बॉलीवुड को अपना शॉट देना चाहती है जरीन। हालांकि इस सॉन्ग के ऊपर अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है मेकर्स की तरफ से, लेकिन जल्द ही आ सकती है। हर अपडेट के साथ दर्शकों को वेट है तो सिर्फ फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस होने के साथ इस फिल्म की मेकिंग स्टार्ट होने का, जिसके कि जल्द ही स्टार्ट होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वीर के बाद फिर से जरीन और सलमान की जोड़ी कर पाएगी फैंस को इंप्रेस?